चलो चलते हैं, आज वक्त से भी पीछे, उस टाइम में जहाँ से हुआ टाइम की शुरुआत, यानी फर्स्ट थिंग इन द स्पेस टाइम, और उसके 0.00001 सेकंड के बाद हुआ एक बिग बैंग। लेकिन ये धमाका रियल में हुआ या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन स्पेस से निकले कुछ पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स से बना हमारा ये यूनिवर्स। लेकिन एक मिनट, एटम्स जब थे ही नहीं तो इन सब पार्टिकल से यूनिवर्स आखिर बना कैसे? दरअसल इन पार्टिकल्स की 380,000 साल के बाद मिले हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम। अब एटम आया तो मतलब कि मैटर आया, और तभी उसके पीछे पीछे आ गई ग्रेविटी, जिससे कि पार्टिकल्स मिले और पूरी यूनिवर्स में हर जगह हीलियम और हाइड्रोजन के क्लाउड्स बन गए। ग्रेविटी की वजह से क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता कम्पैक्ट हुए और तभी बना फर्स्ट स्टार, जिन्हें हम पॉपुलेशन 3 के नाम से जानते हैं। अब पॉपुलेशन 3 फट के बना पॉपुलेशन 2, और वो फट के बना पॉपुलेशन 1, और इनके फटने से मिला यूनिवर्स के बाकी के एलिमेंट्स, जिनसे बनी दुनिया की सबसे पहली गैलेक्सी, यानी कि G9Z11, और फिर इसके 4.6 बिलियन साल के बाद बनी मिल्की वे, और फॉर्म हुआ हमारा सोलर सिस्टम, जिसका सबसे पहला प्लैनेट था जुपिटर, और उसके 16 मिलियन साल बाद बना सोलर सिस्टम का हमारा प्यारा सा प्लैनेट, यानी कि थर्ड प्लैनेट अर्थ, जो पहले दूसरे प्लैनेट्स की ही तरह पत्थर के फॉर्म में था, लेकिन 1 बिलियन 43 मिलियन साल के बाद फॉर्म हुई उस पर फर्स्ट लाइफ, लूका, यानी के प्रोकैरियोटिक सेल, जिससे अर्थ के बाकी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। फिर आए 3.45 बिलियन साल के बाद, जब ह्यूमन दो पैरों पर चलने लगे, नेचर को डेवलपमेंट के लिए यूज करने लगे, और यही लोग टाइम को प्लैनेट से एब्जॉर्ब करने लगे। यानी कि स्पेस है ये आइडिया पुराने वक्त में भी था, लेकिन उसे एक्सप्लोर करने में 40,000 साल लग गए, और आखिरकार 1947 में स्पेस में पहला कीड़ा भेजा गया, जो अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर को छूकर वापस आ गया, और इसके बाद स्पेस में तो जाने की जैसे रेस ही लग गई। और सबसे पहले आया सोवियत यूनियन, जिसे 1957 में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन अब तक स्पेस पर या तो सिर्फ रॉकेट अकेले जाते थे या फिर उसमें जानवर चले जाते थे, लेकिन पहला स्पेस में जाने वाला इंसान था रशिया का यूरी गैगेरियन। और उसके बाद आए अलेक्सी लियोनोव, जो कि स्पेस को देख के रह नहीं सके और स्पेस से बाहर ही निकल आए, और स्पेस में 10 मिनट्स की वॉक की। अब रशिया की देखा देखी एंट्री मारी अमेरिका ने, सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 2 लॉन्च किया 1968 में। और रशिया से आगे निकलने के लिए अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना था, तो अमेरिका ने अर्थ से बाहर ही एक लंबी छलांग मार डाली और पहुंच गया चांद पर, जिसे हम अपोलो 1 के नाम से जानते हैं। और इसी तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने। अब अमेरिका ने चांद पर अपना झंडा तो छोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज छोड़ के चला गया, अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन का सुसु। जी हाँ, यही वो एस्ट्रोनॉट हैं जो कि चांद पर सबसे पहले सुसु करने का एहसास रखते हैं। और इसके बाद आता है स्पेस का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट, जो कि 1971 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये वापसी के टाइम पर ही ब्लास्ट हो गया। और इस तरह के काफी सारे और भी बैड एक्सपीरियंसेस के बाद नासा ने आखिरकार स्पेस से आती हुई लाइट पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और उसी लाइट से ढूंढ निकाला सबसे पहला ब्लैक होल, सिग्निस X1। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में 1916 में ही बता दिया था, लेकिन इसको ढूंढने में इंसानों को 55 इयर्स लग गए, और 1971 में अर्थ से 6197 लाइट इयर्स दूर ये ब्लैक होल आखिरकार मिल ही गया। और तभी नासा ने 1973 में पहला स्पेस स्टेशन स्काई लैब लॉन्च किया, जो कि स्पेस स्टेशन होने के साथ साथ दुनिया की पहली स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी भी थी। और तो और 90,718 केजी जितना ज्यादा वेट के साथ स्पेस में भेजने वाला ये पहला ऑब्जेक्ट था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए जहाँ पर लोग स्पेस में तो जाते ही रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं 2001 में अमेरिका के मिलियनेयर
डेनिस टीटू जो कि 20 मिलियन डॉलर्स खर्च करके स्पेस घूमने गए थे। अब इतना पैसा खर्च करके उनको वहां क्या मिला और क्या नहीं मिला वो तो नहीं पता, लेकिन स्पेस का फर्स्ट टूरिस्ट का टैग जरूर मिल गया। तो टूरिज्म यानी कि कुछ तो होना चाहिए ना टूरिस्ट को ट्रैवल करा के स्पेस घुमाने के लिए, और इसका बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। जी हाँ, मोबाइल बेस्ड सिस्टम एक ऐसा मोबाइल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे स्पेस स्टेशन की सैर कराती है। और अब जब स्पेस पूरे का पूरा टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है तो वहां पर रहने के लिए भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो फिकर नॉट, हम आपको बता दें कि ऑर्बिशन असेंबली कॉरपोरेशन ने 2027 तक स्पेस होटल बनाने का जिम्मा भी ले लिया है। वाव, अब देखना ये है कि इस होटल का पहला गेस्ट का टैग आखिर कौन लेके जाता है।